So welcome to this session, everyone. In last session, we have finished your all concepts of matrices as per your module M19.2 तक हमने सारी चीजें खत्म कर ली है. I hope अब आपको inverse कैसे find करना है with the help of matrix reduction or I can say elementary row operation या elementary column operation हो गया होगा. जो मैंने आपको NCERT के questions दिए थे homework में वो सब आपने कर लिए हैं, right? अब homework checking के लिए हम शुरू करेंगे. होमवर्क चेकिंग किस तरीके से करना है वो सब मैं बताऊंगा आपको, राइट? तो वो आपका शुरू हो जाएगा हर एक वीक का एक साथ. बट बिफोर दैट, जैसे ये M19.3 है आपका, ठीक है, समर जैसे टाइम मिला आप पहले खत्म कर दो. अब M19.3, M19.4 में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स. जैसे कि ये चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. मैट्रिसेस के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हो, अब हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स. इसका नाम डिटर्मिनेंट क्यों है और मेन मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. अब समझो, मैट्रिसेस में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी, राइट? इवन हम डिफरेंस से ही शुरू करेंगे, वहीं से आपको सारी चीजें पता चलेगी. Now, do you remember what was the definition of matrices? अभी लिखो मत, I'll give you time. Matrix की definition क्या थी? Arrangement of data in rectangular. Rectangular arrangement of data or arrangement of data in rectangular form, right? So, arrangement of data in rectangular form or rectangular arrangement of data. And since it is a rectangle, it can have different rows and column or different numbers of rows and column and same numbers of rows and column. That means वो आपका rectangle भी हो सकता है, वो आपका square भी हो सकता है, हाँ या ना? Right. It can be your rectangle, it can be your square. Now, suppose I'm defining one function जिसका input है square matrices. एंड आउटपुट है आर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल वैल्यू से कनेक्ट कर रहा हूँ. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक रियल वैल्यू से कनेक्ट कर रहा हूँ. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? आइदर दैट मैट्रिक्स कैन बी 2x2, आइदर दैट मैट्रिक्स कैन बी 3x3, आइदर दैट मैट्रिक्स कैन बी 4x4, एनीथिंग. सो मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को कनेक्ट कर रहा हूँ एक वैल्यू के साथ. दिस वैल्यू विल बी called determinant of that particular matrix. थोड़ा बहुत पता चल रहा है, हाँ या ना? एक स्क्वायर मैट्रिक्स या एक 3x3 मैट्रिक्स को मैं एक वैल्यू के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, राइट? एक वैल्यू मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसकी एक वैल्यू होगी, समझना. जैसे मैट्रिसेस है, जब मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4, क्या उसकी कोई वैल्यू है? ये मैंने क्लास में तभी समझाया था जब हम मैट्रिक्स के डेफिनेशन करके पढ़ रहे थे, राइट? क्या इसकी कोई वैल्यू है? डेफिनेटली नॉट. इट इज जस्ट एन अरेंजमेंट 1, 2, 3, 4, राइट? इट इज नॉट हैविंग एनी वैल्यू. बट सपोज मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन में डिफाइन करता हूँ 2x2 के लिए, वेयर फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई फ्रंट डायगोनल एलिमेंट्स, देन आई विल मल्टीप्लाई रियर डायगोनल एलिमेंट्स. तो ये आपका हो जाएगा 1x4 -2x3. 1x4 is 4, 2x3 is 6, 4 - 6 is -2. So now I am associating this 2x2 matrix with one value -2. This is called determinant of this matrix. Determinant को आप डेल्टा बोल सकते हो, या जब 2x2 फॉर्म में लिखो, 3x3 फॉर्म में लिखो, मैट्रिक्स अरेंजमेंट में लिखो, तो उसे एक दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है, राइट? दिस इज योर सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट. मैट्रिक्स के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो, ओपन ब्रैकेट यूज कर सकते हो. ओपन ब्रैकेट मींस नॉर्मल ब्रैकेट, राइट? जबकि डिटरमिनेंट के लिए आपके पास आएंगे बार लाइंस. इज दिस क्लियर? हाँ या ना? तो अब समझो, मैंने बस आपको ये फंक्शन का इनपुट और आउटपुट दिखाया कि इनपुट अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आउटपुट एक वैल्यू है.
अब वो आउटपुट कैसे एक वैल्यू है वो मैं धीरे धीरे आपको दिखा रहा हूं। अगर इनपुट 2x2 है, इफ इनपुट इज 2x2 मैट्रिक्स, देन आउटपुट इज लाइक दिस, फ्रंट डायगोनल एलिमेंट्स माइनस रियर डायगोनल एलिमेंट्स। दैट इज इफ आई जनरलाइज दिस फॉर 2x2 मैट्रिक्स ए बी सी डी, इट्स डिटर्मिनेंट ए बी सी डी विल बी डिफाइंड एज ए डी माइनस बी सी। अभी लिखो मत, अभी बस पता चलना चाहिए। इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट प्रद्युम्न, राहिल, अनगा, समर, सानिया, डोंट वरी, आपको वीडियो ऑफ रखना है ऑफ रखो, आपकी अटेंडेंस भी ऑफ ही रहेगी। ओके नाउ ए डी माइनस बी सी। नेक्स्ट सिमिलरली, अब ये चीज आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आया ना क्रॉस प्रोडक्ट में, चलो ए बी सी डी एफ जी एच आई, सपोज दिस इज योर 3x3 मैट्रिक्स। अब ये 3x3 मैट्रिक्स की आपको वैल्यू निकालनी है या उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो हम कैसे निकालते थे आप फिजिक्स में याद करो, आई जे के ऐसा लिखते थे, प्लस माइनस प्लस आई जे के, हाँ या ना? राइट वेक्टर, ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, आई के साथ प्लस क्यों आ रहा है, जे के साथ माइनस क्यों आ रहा है, के साथ प्लस क्यों आ रहा है, वो मैं सिखाऊंगा, उसमें भी टाइम है। बट पहले बस आप फिजिक्स में जो पढ़े थे मैं वो याद करा रहा हूँ। फिजिक्स में आप ऐसा पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, इट इज योर आई जे के, देन सपोज यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3, क्या ऐसा पढ़े थे फिजिक्स में? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ या ना? हाँ, समर दिस सेलिंग सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छुपा के मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट, वही। तो पहले आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करते थे? आई के लिए 4 × 3 − 5 × 2 हो जाता था। मतलब पहला प्लस आई करते थे, फिर उसके रो और कॉलम को हाइड करके आपको मिलता था 4 × 3 − 2 × 5, करेक्ट? हाँ सर। जैसे आप यहाँ पे आई लिख रहे हो प्लस आई, उसकी रो और कॉलम को आप हाइड कर रहे हो, जब आप उसकी रो और कॉलम को हाइड कर रहे हो तो आपको एक 2x2 डिटरमिनेंट मिल रहा है 4 5 2 3, करेक्ट? इन अ सेम वे फिर जब आप जे के साथ लिखते थे माइनस जे, जे वाली रो और कॉलम को हाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 5 1 3, राइट? इन अ सेम वे फाइनली जब आप के वाली रो और कॉलम को हाइड करोगे देन आपको मिलेगा 3 4 1 2। याद नहीं है तो डोंट वरी, अभी जितना याद है उतना याद करने की कोशिश करो, मैं वापस सारी चीजें पहले से बताने वाला हूँ, बट पहले ये फिजिक्स में आपको जितना याद है वो मैं दिखा रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? फिर 2x2 को तो कैसे सॉल्व करना है वो आपको पता ही है। दिस इज आई, 4 3 = 12 माइनस 5 2 = 10 माइनस जे, 3 3 = 9 माइनस 5 1 = 5 प्लस के, 3 2 = 6 माइनस 4 1 = 4। इस तरीके से आप पूरा एक 3x3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करते थे फिजिक्स में। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ ओके सान्या, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ओबीसी चलिए, नहीं तो फर्स्ट दो कॉलम को आगे लिखे, फर्स्ट दो कॉलम को आगे लिखे, रियर डायगोनल टाइप मल्टीप्लाई करते थे। दैट इज एग्जैक्टली सारस मेथड, वो भी आपको दिखाया था सेशन सर ने फिजिक्स में, सारस मेथड भी आप अप्लाई करते थे 3x3 के लिए। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अच्छा सारस मेथड मेरे को तो याद नहीं है। ठीक है ठीक है, तो वो सब मैं दिखाऊंगा। तो अभी के लिए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट में बोले थे पहले ऐसा है, बाद में पढ़ोगे सारस मेथड करके, आप एक बार बोले थे शायद। अच्छा हाँ ओके, सो समझो इधर, मैट्रिक्स इज योर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ डेटा, बट डिटरमिनेंट इज वन फंक्शन विच इज associating all square matrix with one real number. हर एक square matrix को एक real number के साथ associate करता है। अब वो कैसे associate करता है? अगर 2x2 है तो उसके लिए वो define होगा AD minus BC, right? 3x3 है तो उसको कैसे 2x2 में reduce करना है, ये थोड़ा पढ़े हो 11th में physics में, और detail में हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले आप इतना लिख दो matrix is determinant, यहाँ पे difference में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, but पहले यहाँ से शुरू करूँ। हाँ जितेंद्र, पहले मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट में आप ये चीज लिख दो,
आपको मॉड्यूल में डायरेक्ट उसके प्रॉपर्टीज से शुरू किया गया है, बट वी विल सी। Okay. Yes, Samad is asking, sir, determinant is only defined for square matrix? Yes, only for square matrix. Determinant aapka sirf square matrix ke liye hi defined hai. Sir, thoda sa upar. Okay. Sir, ye 2 into 2 aur 3 into 3 ka jo examples hai, wo bhi likhna hai. Haan, haan. थ्री इंटू थ्री का डेल्टा क्या है? थ्री इंटू थ्री का क्या डिटरमिनेंट क्या होगा? अपन 2 into 2 का तो AD minus BC लिख देते हैं ना, तो 3 into 3 को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। 3 into 3 को सॉल्व करने के लिए हमें उसको 2 by 2 में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब वो मैं डिटेल में बता रहा हूँ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ही आपका 11th का फटाफट लिख दूं। होप हो गया होगा वो भी, राइट? सबने लिख दिया होगा, जाएं आगे। सर एक मिनट सर, आई थिंक विवेक इज नॉट एबल टू ज्वाइन। ठीक है, डू इट क्विक, थोड़ा क्विक करो, मैं आपका ये भी बना देता हूँ तब तक। हो गया होगा अभी सबका? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। ये अभी तक आपने जो पढ़ा था वो, राइट? अब समझो, डिटरमिनेंट आपके डिफाइन कैसे है, मैट्रिक्स के साथ वो फंक्शन कैसे एसोसिएटेड है, वो अब हम देखने वाले हैं डिटेल में। ऑलरेडी 2x2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट का आपने देख लिया है कि जिसका ऑर्डर अगर 2 है या अगर वो 2x2 है, राइट? अब जिस तरीके से नाम दो, वेदर इट इज 2x2 और ऑर्डर 2, उसका अगर डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, पहले ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया ना, और भी बहुत सारे डिफरेंस आएंगे। पहला डिफरेंस क्लियर हो गया, दिस कैन बी रेक्टेंगल और स्क्वायर, बट दिस कैन बी ओनली स्क्वायर। ओके, यहाँ पे डिटरमिनेंट आपका बस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफाइन है। नाउ 2x2 में अगर आपके पास ए बी सी डी है, सो इट इज डिफाइंड एज ए डी माइनस बी सी, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन, राइट? फ्रंट डायगोनल माइनस रियर डायगोनल। फॉर 3x3, 3x3 में एग्जैक्टली आपको उसको कन्वर्ट करना होता है 2x2 में। जब भी आप 3x3 को करोगे या 2x2 में करोगे तो उसको कन्वर्ट करना है। नहीं, ये एरो नोटेशन कुछ जरूरी नहीं है, ये बस मैंने समझाने के लिए लिखा है। दिस एरो नोटेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। नाउ अब 3x3 डिटरमिनेंट को जब भी आपको सॉल्व करना हो,
तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को यूज करके आपको उसको 2x2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन द सेम वे अगर आपको 4x4 को सॉल्व करना है तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को यूज करके 3x3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन शॉर्ट आपको तब तक कन्वर्ट करना पड़ेगा जब तक आप 2x2 पे पहुंच नहीं जाते। अब जब 3x3 को आपको कन्वर्ट करना है 2x2 में यूजिंग एनी रो और कॉलम, यू नीड टू फॉलो द साइंस, कौन से एलिमेंट को प्लस साइन देना है, कौन से एलिमेंट को माइनस साइन देना है, वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। हाउ यू कैन फॉलो दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप पूछोगे सर ये साइन आई कहां से, ये साइन के पीछे का रूल क्या है? ये साइन के पीछे का आपका रूल है, हर एक एलिमेंट साइन ऑफ एलिमेंट ए आई जे विल बी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे, जहां पे आई आपका रो का नंबर हो जाएगा, जे आपकी कॉलम का नंबर हो जाएगा। हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। जैसे इसी 3x3 में अगर आपको A11, A12, A13 मतलब ए आई जे रखना है तो इसी मैनर में रखना पड़ेगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, 2, सेकंड रो थर्ड कॉलम 3, 1, 3, 2, 3, 3, यहां तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये हम मैट्रिक्स में भी लिखते थे। अब हर एक एलिमेंट की साइन, A11 की साइन क्या हो जाएगी? माइनस वन टू द पावर 1 + 1, सो इट विल बी प्लस, यस और नो? A11 की साइन क्या हो जाएगी? माइनस वन टू द पावर 1 + 1, विच इज नथिंग बट माइनस वन स्क्वायर, विच इज प्लस वन। सो A11 की साइन प्लस वन, यहाँ पे 1 + 2, 3, माइनस वन, 1 + 3, 4, प्लस वन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? साइन के पीछे का लॉजिक पहला। अब ये जो आपकी साइंस है, आपको ये सारा माइनस वन टू द पावर आई प्लस जे हर बार याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट? जस्ट यू हैव टू फॉलो zigzag। एक अगर आपका प्लस आ गया तो उसके बाद माइनस, फिर प्लस, अगेन ये प्लस है तो इधर माइनस, प्लस माइनस है, प्लस माइनस, प्लस है माइनस प्लस। अंडरस्टूड एवरीवन? राइट, जस्ट प्लस से शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसी ऑर्डर में आपको जाना है। इसी तरीके से अगर मान लो, अगर आपको मैं 4x4 यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4x4 का आप साइन कन्वेंशन मुझे लिखा सकते हो? अनिशा, कैन यू टेल मी व्हाट कैन बी द साइन कन्वेंशन फॉर 4x4? प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। यस, सो थैंक यू अनिशा। इज दिस क्लियर? पहले साइन कन्वेंशन सबको क्लियर है? हाँ या ना? राइट, नाउ वंस दिस साइन कन्वेंशन इज क्लियर टू यू, अब एक्सपैंड कैसे करना है? एक्सपैंड आप कोई भी रो से कर सकते हो या कोई भी कॉलम से कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट रो ही यूज करनी है। आइदर यू कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, आइदर यू कैन एक्सपैंड इट फ्रॉम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। आप डिटर्मिनेंट को कोई भी रो या कोई भी कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट can be expanded along any row or any column। चलो, अब इसमें से फर्स्ट रो से कैसे एक्सपैंड करना है वो आप ऑलरेडी जानते हो, क्या वो मुझे वापस दिखाने की जरूरत है? जो आप फिजिक्स में कर चुके हो, आईजे के फर्स्ट रो का एक्सपेंशन सबको क्लियर है ना? हाँ या ना? राइट, मान लो अगर मुझे इसको सेकंड रो से एक्सपैंड करके लिखना है, अगर इसी को मुझे सेकंड रो से एक्सपैंड करके लिखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा समझो। जैसे फर्स्ट रो पे आप एक्सपैंड करते थे, आप क्या लिखते थे? पहले अगर मान लो यहाँ पे मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्टिव साइंस के साथ एलिमेंट प्लस माइनस प्लस, प्लस आई माइनस जे प्लस के, एंड आई के साथ एक 2x2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, माइनस जे के साथ 2x2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, और के साथ 2x2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई, यस और नो? राइट, समर्थ इज आस्किंग सर एक्सपेंशन, वाई एक्सपेंशन? एक्सपेंशन हम इसलिए कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू निकालने के लिए। अवर अल्टीमेट एम इज टू फाइंड इट्स वैल्यू। अब 3x3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2x2 की हेल्प लेनी पड़ेगी, 4x4 की हेल्प निकालने के लिए हमें 3x3 की हेल्प लेनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, मेन आपका 2x2 का डिटर्मिनेंट डिफाइन है,
थ्री बाई थ्री का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू यूज और यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ टू बाई टू डिटर्मिनेंट. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो थ्री बाई थ्री को टू बाई टू में कन्वर्ट करने के लिए वी आर गोइंग टू एक्सपांड इट फ्रॉम एनी रो और कॉलम. चलो मान लो मैं यहाँ पे सेकंड रो से एक्सपांड कर रहा हूँ. ओके अब सेकंड रो के आपके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे विथ साइन? अगर मैं साइन के साथ उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, सो कैन आई से माइनस ए टू वन, उसके साथ एक आपका आएगा टू बाई टू, प्लस ए टू टू उसके साथ आएगा एक टू बाई टू, एंड प्लस ए टू थ्री उसके साथ आना चाहिए एक टू बाई टू. इज दिस क्लियर एवरी वन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर टू यू. पहले ये सर थ्री बाई थ्री और फोर बाई फोर का डिफाइन नहीं है क्या? नहीं रोहित, थ्री बाई थ्री और फोर बाई फोर का अलग से डिफाइन नहीं है, उसको आपको टू बाई टू से ही कन्वर्ट करना पड़ेगा. चलो अब मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, माइनस ए टू वन के बाद का जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उसकी वैल्यू रखने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ए टू वन को जो भी रो और कॉलम कंटेंट कर रही है उसको हम हाइड कर देंगे. माइनस ए टू वन या ए टू वन को कंटेंट करने वाली रो कॉलम, क्या आपको चार एलिमेंट दिख रहे हैं एवरीवन? व्हाट आर दिस फोर एलिमेंट्स? ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री. इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यस और नो? नाउ ए टू टू, अब ए टू टू को अगर मैं हाइड कर रहा हूँ रो एंड कॉलम, मानसी बोलो कौन से चार एलिमेंट दिख रहे हैं? मानसी कौन से चार एलिमेंट दिख रहे हैं? ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री. वेरी गुड. चलो मीत ए टू थ्री के बारे में बताओ. सर ए टू थ्री, ए वन वन, ए वन वन, ए वन टू, ए थ्री वन, ए थ्री टू. ओके थैंक यू मीत. चलो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. इसी तरीके से आप हर एक रो और हर एक कॉलम से लिख सकते हो, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? हर एक रो या हर एक कॉलम से आप लिख सकते हो. ओके तो एक मैट्रिक्स, सॉरी एक डिटर्मिनेंट, अगर मुझे एक थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है आइदर यूजिंग एक्सपेंशन ऑफ रो और कॉलम, मेरे पास कितने ऑप्शन होंगे? हाउ मेनी ऑप्शन आई एम हैविंग? भाई थ्री सी नहीं, नहीं इतना ज्यादा उसमें नहीं जाना है. तीन रो है, तीन कॉलम है, आइदर तीन रो यूज कर सकता हूँ, तीन कॉलम यूज कर सकता हूँ. मतलब आइदर तीन रो में से कोई एक रो या तीन कॉलम में से कोई एक कॉलम. हाँ वेरी गुड कोशी. छह रास्ते हैं, आया ना? थ्री रो एंड थ्री कॉलम, एग्जैक्टली वो 61 होगा, करेक्ट प्रांजल? राइट सर. सो आइदर तीनों में से कोई भी एक रो से एक्सपांड करो या तीनों में से कोई भी एक कॉलम से एक्सपांड करो. मैं सिर्फ रो गिन लिया था, कॉलम गिना नहीं. हाँ तो अब मैं बोलो कॉलम वाले एक लिखाने की जरूरत है? मान लो अगर मुझे यहाँ पे कॉलम से एक्सपांड करना है, चलो कॉलम वाले एक लिखे. बोलो आप ही पसंद करो कौन सी कॉलम से किया जाए. रिया बोलो कौन सी कॉलम से करे. रिया आर यू देयर? फर्स्ट कॉलम. ओके रिया चलो क्या आप मुझे साइंस बता सकते हो फर्स्ट कॉलम में साइन कौन कौन सी होंगी? प्लस, हाँ ए वन की प्लस, माइनस, ठीक है, तो और माइनस ए टू वन, देन प्लस ए थ्री वन. नेक्स्ट अब मुझे अंदर सारी वैल्यू रखनी है. अमीश अगर मैं ए वन वन की, हाँ प्रद्युमन सर ये जो ऊपर रो वाले में लिखा है उसमें माइनस ए थ्री, ए टू थ्री होगा ना? कहाँ पे कहाँ पे? ये रो वाले में. हाँ 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 इट शुड बी माइनस. एग्री माइनस थ्री माइनस. वेरी गुड प्रद्युमन. चलो अमीश आर यू देयर? यस सर. ओके अमीश चलो ये वैल्यू लिखते हैं वन बाई वन. ए वन वन की रो और कॉलम को मैं हाइड कर रहा हूँ तो चार एलिमेंट आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. यस सर. कौन कौन से हैं सर? ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री टू एंड ए थ्री थ्री. वेरी गुड. चलो राहिल आर यू देयर? राहिल
ओके राहिल, मैं ए टू वन को हाइड कर रहा हूँ, ए टू वन की रो और कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, चार एलिमेंट दिख रहे हैं आपको? कैन यू टेल मी? ए वन टू, हाँ, ए वन थ्री, हाँ, ए थ्री टू, हाँ, ए थ्री थ्री, वेरी गुड। चलो अब फाइनल, मैं ए थ्री वन की रो और कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, तब आपके पास क्या आएगा? यस, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू टू, ए थ्री थ्री, वेरी गुड जितेंद्र। चलो तो इन शॉर्ट अब थ्री बाई टू सर, ए टू थ्री सर, क्या ए टू थ्री होगा सर, वो फोर्थ एलिमेंट ए थ्री वन। हाँ हाँ हाँ, जॉब ओके ना सर, अभी मीत जागो, ग्राहक जागो बोल रहा था। हाँ ना, नहीं बोला। If we write plus minus plus or minus plus minus, it would matter na, because determinant ki value ke saath negative sign common aake cut ho jayega. Haan, samar pata nahi chal raha hai. Plus minus plus minus plus minus kyun? Matlab kyun? Ye determinant mode nahi hai. Determinant is not your mode. Are you getting my point? Determinant ki value negative bhi ho sakti hai. Samar, aapne jo likha hai usme pata nahi chal raha hai. Wait, aap kuch example ka wait karo. Jaise example dekhoge, wo clear ho jayega. तो ये क्लियर है एवरीवन? आया ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ऑर्डर थ्री, राइट? इसी तरीके से जब हमें ऑर्डर फोर को एक्सपांड करना होगा, तो ऑर्डर फोर को एक्सपांड करेंगे तो हमें सब डिटरमिनेंट कौन से मिलेंगे? थ्री वाले मिलेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। तो पहले थ्री करना पड़ेगा, फिर उसको टू करना पड़ेगा। यस यस, मेजरली हम टू वाले और थ्री वाले ही देखने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, राइट? अब समझो, यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट है ना, वही दिखाने वाला था, बट अभी जितेंद्र के कमेंट पढ़ा था सर, ऊपर अपने अभी माइनस लिखा जो प्रद्युमन ने बोला, पर अब प्लस है। कहाँ प्रद्युमन, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्रद्युमन, ओह सॉरी जितेंद्र, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो? ये रो से यहाँ पे किया है और ये कॉलम से यहाँ पे है। नहीं, माइनस ए थ्री वन नहीं होगा ना, सी साइन प्लस माइनस प्लस, ए थ्री वन पॉजिटिव। ओके चलो, अब शॉर्टकट फॉर थ्री बाई थ्री, ये शॉर्टकट एग्जैक्टली दिया था सारस ने, राइट? तो अब समझो, इसका मतलब ये नहीं कि ये शॉर्टकट होगा। अब शॉर्टकट आपका कौन सा हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर थ्री बाई थ्री डिटर्मिनेंट कोई आपको ऐसा दिया है जिसमें कोई रो या कॉलम में जीरो ज्यादा है, नंबर ऑफ जीरो ज्यादा है, तो पर्टिकुलरली वो शॉर्टकट हो जाएगा। हाँ या ना? अब इसको कौन सी रो से आप एक्सपांड करोगे या कौन सी कॉलम से एक्सपांड करोगे तो काम इजी हो जाएगा? टेल मी। फर्स्ट रो, फर्स्ट रो जहां पे जीरो सबसे ज्यादा है। अब अगर मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं, अब इसको कहां से एक्सपांड करोगे तो काम आसान, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम, राइट? सो बेटर, डिटर्मिनेंट आपका कोई भी रो या कॉलम से एक्सपांड हो सकता है, तो यहां से अब हम क्या यूज करेंगे, हम वो रो या कॉलम पसंद करेंगे जिसमें मैक्सिमम जीरो। सो चूज दैट रो और कॉलम विच कंटेन्स कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, राइट? और मैक्सिमम जीरोस। इज दिस क्लियर एवरीवन, राइट? ये हम हमारे लिए कर सकते हैं। अब दूसरा, अब मैं आपको जो सारस रूल है वो भी दिखा रहा हूं, फिर आप ये लिखो एंड फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, या अगर टाइम बचाने के लिए भी साथ में लिखते जाओगे तो वेल एंड गुड। सारस रूल फॉर थ्री बाई थ्री, एंड माइंड वेल, दिस इज ओनली फॉर थ्री बाई थ्री। जब भी मैं सारस रूल पढ़ाता हूँ तो स्टूडेंट जनरली उसको फोर बाई फोर में भी अप्लाई करते हैं, एंड मैक्सिमम वैल्यू आपको थ्री बाई थ्री ही आएगा, राइट? हाँ, अमेश इज आस्किंग सर, साइन तो ए पे डिपेंड करेगा ना कि ए पॉजिटिव है या नेगेटिव? नहीं, समझो स्टूडेंट, समझो,
ये जो हम साइन लिख रहे हैं प्लस माइनस प्लस, वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये साइन हम ले रहे हैं ताकि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकले, राइट। ये साइन उसकी पोजीशन की है, जो पोजीशन पे ए बैठा हुआ है वो पोजीशन की साइन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस साइन इज ऑफ पोजीशन, ए कौन सी प्लेस पे बैठा हुआ है वो प्लेस की साइन है, तो जहां से आप एक्सपांड कर रहे हो ये उसकी साइन है। ओके सर, मतलब भले ही वो एलिमेंट जैसे नेगेटिव होगा, जैसे माइनस टू है और वो पोजीशन पे, वो पोजीशन का साइन माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस वैसे ही है। यस यस, क्योंकि वो पोजीशन आपको क्या दिखा रहे हैं, जब आप वो पोजीशन पे लिख रहे हो, जैसे ये वाली पोजीशन पे मान लो माइनस टू आपको दिया गया है, तो वो तो बोल रहे हैं कि माइनस टू वहां पे बैठा है, बट जब आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो तो आपको माइनस ऑफ माइनस टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप डिटर्मिनेंट में आप उसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो। क्लियर? एग्जाम्पल लिखेंगे तो एलिमेंट है बेसिकली, उसको उसके पोजीशन के साइन के साथ मल्टीप्लाई करके। यस यस, ठीक है सर। अब सारस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 3/3। अब समझो सारस रूल कैसे करना है, जैसे 3/3 का आपको कोई भी डिटर्मिनेंट निकालना है, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। नाउ आप एक चीज कर सकते हो, आइदर ये सारस रूल आप कॉलम वाइज अप्लाई कर सकते हो या रो वाइज अप्लाई कर सकते हो। आई विल रिकमेंड यू टू अप्लाई कॉलम वाइज, बेटर यही होगा कि आप कॉलम वाइज अप्लाई करो। चलो अब पहली दो कॉलम है उसको आप वापस लिख दो, A, B, G, B, E, H. Can you see this everyone? पहली दो कॉलम को मैंने वापस लिख दिया। अब 2/2 में आपको पता है आप डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रंट डायगोनल माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ रियर डायगोनल, सेम थिंग यहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रंट डायगोनल आपको मिलेंगे तीन, सेम रियर डायगोनल आपको मिलेंगे तीन। ओके सो दिस विल बी फ्रंट डायगोनल में अगर आप सबको मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए आई प्लस बी एफ जी प्लस सी डी एच, माइनस रियर डायगोनल में हो जाएगा जी सी प्लस एच एफ ए प्लस आई डी बी। दैट्स इट, दिस इज योर सारस रूल फॉर 3/3। कोई प्लस माइनस प्लस साइन याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ये यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज इट इन बोर्ड्स, राइट? दिस इज नॉट यू हैव टू यूज इन बोर्ड्स। सर एक और बार समझाओगे? बिल्कुल, इवन मैं क्वेश्चन में समझाऊंगा तो ज्यादा मजा आएगा। समझो पहली दो कॉलम को हम वापस लिख देंगे, जब पहली वाली दोनों कॉलम को आप वापस लिख रहे हो तो वो आपकी कॉलम्स हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे आपकी कॉलम है ए डी जी बी ई एच, सो यू विल राइट ए डी जी एंड बी ई एच अगेन। नाउ अब ये आपके पास बना ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 1, 2, 3 रो है एंड 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है। अब इसमें जब आप डायगोनल एलिमेंट देखोगे तो ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, ये एक डायगोनल है, मतलब 3/3 वाला, नॉट इट इज स्पेशली डायगोनल और पर्टिकुलरली डायगोनल। तो यहाँ पे हम पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई आई बी एफ जी सी डी एच, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रियर डायगोनल जी सी एच एफ ए आई डी बी। ये क्लियर हुआ? अब फटाफट इसके बेस पे एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा। Now, do one thing. इसे फटाफट लिख दो आप अपने वर्ड्स में, 2/2 ऑलरेडी आपने लिखा है, 3/3 से आपको लिखना है। ओके इसे आप पहले लिख दो 3/3 जल्दी। हमारे पास है ओके रो वाइज सारस रूल मत देखो, राइट? सारस रूल रो वाइज मत देखो रोहित, ये वाला ही बेटर फॉलो करो। जैसे ये हो जाए मुझे बता दो, हो गया? जाए नीचे, कैन आई स्क्रॉल डाउन? हाँ सर। मैक्सिमम जीरोज है यहाँ पे, मैक्सिमम जीरोज, ऐसी रो जिसमें मैक्सिमम जीरोज हो। हाँ हाँ रोहित, वेट,
सारस रूल डायरेक्ट मैं बोल रहा हूँ आपको, एक बार एग्जांपल से मुझे दिखाने दो, आपको बहुत आइडिया आ जाएगा। जाए नेक्स्ट राइट, ये ऑर्डर फोर वाला ऐसे आप लिख सकते हो, सारस रूल की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। ओके सर, इस रूल में हम क्या बोलते हैं साइंस लेंगे क्या? साइंस लेंगे, सारस रूल में साइन नहीं याद रखना है, वही तो सारस रूल का फायदा है। सर ये रो का तो समझ में आ गया, कॉलम वाला समझ में नहीं आया, कॉलम का मतलब क्या है सर? मतलब ये A11, A21, A31 से जैसा एक्सपांड किया ये पता चला, ये कॉलम से एक्सपांड किया है ना, दिस इज कॉलम वाइज एक्सपांशन एंड दिस इज रो वाइज एक्सपांशन, तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम को पकड़ सकते हो। ओके सर। डू इट क्विकली, कैन आई स्क्रॉल डाउन, वो हो गया है, सारस रूल अभी लिखना है, ये सारस रूल के पहले वाला सब हो गया, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सर, सारस रूल दिखाओ। हाँ थोड़ी स्पीड रखो प्लीज प्लीज, हमें लास्ट में सिलेबस खत्म करने में प्रॉब्लम होगी नहीं तो, एंड थोड़ा थोड़ा मैं मैथ्स में खींचूंगा एक्स्ट्रा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जाए नेक्स्ट एवरीवन, लिख लिया सारस रूल राइट, नहीं तो अभी साथ में लिखते ही जाओ। चलो अब रेगुलर बुक 19.3, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का एग्जांपल देखेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे। तो 19.3 में प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू, चलो समझो, दिस इज योर प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू, प्री रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, बोलो कौन सी मेथड यूज करना चाहोगे, सारस रूल या कोई रो या कॉलम वाइज छोड़ो एक्सपांड करोगे? कॉलम। हाँ कौन सी कॉलम? सारस रूल सर, थर्ड कॉलम सर, थर्ड कॉलम राइट, तो थर्ड कॉलम से जब आप एक्सपांड करोगे, हम दोनों करते हैं राइट, चलो सारस रूल भी करते हैं थर्ड कॉलम भी करते हैं, तो थर्ड कॉलम से जब आप एक्सपांड करोगे प्लस माइनस प्लस, तो जब प्लस फोर से ही आप एक्सपांड करोगे वहीं पे आपका काम हो जाएगा, बिकॉज माइनस जीरो प्लस जीरो वाले तो एलिमेंट आपको लेने ही नहीं है, प्लस फोर के साथ आपके पास बचेगा माइनस वन थ्री फोर वन, सो इफ यू विल सिंप्लीफाई इट विल बी फोर माइनस वन इंटू वन माइनस वन माइनस फोर थ्री जार ट्वेल्व, so it is 4 times minus 13, it is minus 52, am I correct? Please give me some response. वो 00 वाले लिखना ही नहीं पड़ेगा, पता चला कि नहीं, हाँ या ना? हाँ सर। नहीं, 00 क्यों नहीं लिखना पड़ेगा, वो क्लियर है ना, माइनस जीरो प्लस जीरो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो तो जीरो ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस फोर कहाँ से है? प्लस फोर यहाँ से है ना, ये फोर थर्ड रो थर्ड कॉलम, जब आप यहाँ पे एक्सपांड करोगे आप क्या लिखोगे, प्लस फोर टू बाई टू प्लस फोर इंटू टू बाई टू माइनस जीरो इंटू टू बाई टू प्लस जीरो इंटू टू बाई टू, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएंगे,
चलो नाउ सी सारस रूल हियर. डिटरमिनेंट का सिंबल डेल्टा ऑलरेडी मैंने लिखा दिया है राइट. चलो समझो यहाँ पे 1, 2, 4, -1, 3, 0, 4, 1, 0 इसको वापस लिख रहा हूं मैं. पहले दो कॉलम 1, -1, 4, 2, 3, 1. चलो अब रो और ये हम डायगोनल आइडेंटिफाई कर देंगे. थ्री इंटू वन इंटू जीरो इट इज जीरो ओनली. टू इंटू जीरो प्लस फोर इट इज जीरो ओनली. माइनस 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 इंटू फोर माइनस फोर माइनस. यहाँ पे फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन थ्री जा 48. फिर वन इंटू जीरो जीरो प्लस ये जीरो इंटू जीरो जीरो. माइनस फोर माइनस 48 माइनस 52. क्लियर है? बोलो आसान है. थ्री बाई थ्री डिटरमिनेंट को सॉल्व करना राइट. डैम इजी. आइदर आपको कोई कॉलम या रो ऐसी दिख रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो से उसे यूज करो, वो नहीं दिख रही है सारस रूल यूज करो. ओके समर्थ, अमिश, कोशी, राहिल, सानिया, प्रद्युम्ना. क्लियर है? मीत वीडियो ऑन करना पड़ेगा. हाँ सर. नाउ ओवेश इज आस्किंग सर डिटरमिनेंट एग्जैक्टली सिग्निफाई क्या करता है एंड डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट ही क्यों बोला जाता है. वो आपको पता चलेगा जब हम डिटरमिनेंट की एप्लीकेशन देखेंगे, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड क्यों पर्टिकुलरली इसे डिटरमिनेंट ही बोला जाता है. इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच यू हैव लर्नड इन क्लास 10th. ठीक है, तब तक थोड़ा इंतजार कर लूँ, तब हमें पता चलेगा कि डिटरमिनेंट का नाम डिटरमिनेंट क्यों है एंड वो सिग्निफाई क्या करता है. ओके यहाँ तक क्लियर है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस 2/2 डिटरमिनेंट इक्वल टू दिस 2/2 डिटरमिनेंट. सो पहले 2/2 डिटरमिनेंट का सिंप्लीफिकेशन आपको देगा 3 × 1 = 3 − x². दूसरा होगा आपका 3 × 1 = 3 − 4 = 8. इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिल जाएगा एक्स, x² = 8. सो एक्स इज ±√2. सर इसमें डायरेक्ट ऐसे इक्वेट नहीं कर सकते ना, जिससे एक्स की जैसे 2 और 4 जैसे मैट्रिसेस में हम एलिमेंट को डायरेक्ट इक्वेट करते थे कि दो मैट्रिसेस आपके इक्वल कब होंगे, जब उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट सेम होंगे. बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होगा. डिटरमिनेंट में रिस्पेक्टिव एलिमेंट अलग हो सकते हैं राइट. यस यस अभिराम, योर ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट. चलो यहां से आगे बढ़े एवरीवन. सर हाँ बोलो समर. सर ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे ना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो उसमें अगर हम लोग प्लस फोर की जगह माइनस फोर लेंगे तो आंसर प्लस फोर की जगह माइनस फोर लेंगे तो हमें 52 आ जाएगा आंसर. और प्लस 52 आएगा पर माइनस उस तरफ जाएगा 52 माइनस. हाँ सर, फिर वही अगर माइनस उस तरफ भेजेंगे वही आंसर आ जाएगा, तो फर्क नहीं पड़ता ना प्लस माइनस प्लस ले या माइनस प्लस माइनस ले. वेट 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 वेट, आप बोल रहे हो कि अगर माइनस फोर ले रहे हो तो माइनस फोर लेने पे आपका इधर आया 52. अब आप बोल रहे हो 52 उस तरफ जाएगा तो माइनस 52 होगा, बट किस तरफ? दिस इज ओनली डिटरमिनेंट, डेल्टा इज इक्वल टू 52. आर यू गेटिंग माय पॉइंट समर? आप समझ रहे हो ना? आप ये फिफ्टी टू आया उस तरफ आएगा तो जाएगा तो माइनस 52, बट अगर उस तरफ जीरो है, इधर 0 इक्वल टू 52 प्लस डेल्टा है तो 52 उधर जाएगा तो डेल्टा इक्वल टू माइनस 52 मिलेगा ना. ओके समझ रहे हो ना बात को? इसलिए साइन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिटरमिनेंट में, साइन आपको करना है. यस मीनवाइल जितेंद्र इज आस्किंग सर 2 में वाई कांट वी टेक डायरेक्ट एज एक्स बाई एक्स एंड 4 × 2. हाँ वैसा कर सकते हो जितेंद्र. चलो अब आगे बढ़े एवरीवन. सर सेकंड क्वेश्चन वाला एक बार फिर से. ठीक है सेकंड क्वेश्चन में आपको दो 2/2 डिटरमिनेंट दिए गए राइट.
3x x1 = 3241। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका एक पास क्या आएगा 3 × 3 − x2। LHS आपके पास आएगा 3 × 3 − x2। RHS आपके पास आएगा 3 × 3 − 4 × 8। RHS आएगा 3 × 3 − 4 × 8। सो यहाँ को सिंप्लीफाई करोगे ये 3 कैंसिल माइनस माइनस साइन कैंसिल x2 = 8 सो x = ±√2। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट, अब इधर ध्यान दो एवरीवन। अब हमें नया टॉपिक पढ़ना है यहाँ पे, विच इज योर माइनर एंड को फैक्टर्स इन डिटर्मिनेंट, राइट? दैट इज माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। व्हाट इज माइनर, व्हाट इज को फैक्टर? चलो, माइनर और को फैक्टर आपके डिफाइन होते हैं एक एलिमेंट की, एलिमेंट आपके मैट्रिसेस में कितने होते हैं या डिटरमिनेंट में कितने होते हैं। अगर आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, राइट, अगर आप मान लो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो n बाई n, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे एवरीवन? हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आपको आंसर देने के लिए। ये n बाई n डिटरमिनेंट है, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे, यस और नो? यस, वेरी गुड, राइट। 3 × 3 है तो 9 एलिमेंट होंगे, 2 × 2 है तो 4 एलिमेंट होंगे। अब समझना, सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे अभी के लिए 3 × 3 ले रहा हूं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। पता चल रहा है ना रोहित, कृष्णा पता चल रहा है ना? कृष्णा फिर रिकॉर्डिंग मिल गई थी ना आपको लास्ट में, कृष्णा आर यू देयर? See, हर एक रिकॉर्डिंग आपकी प्लेलिस्ट में अपडेट होती है। कृष्णा इज नॉट इन द मीटिंग टुडे। ओह माय गॉड, दिस इज नॉट गुड। चलो अब इधर ध्यान दो। या अब हर एक एलिमेंट का आपका माइनर और को फैक्टर डिफाइन है, बट माइनर और को फैक्टर डिफाइन होने के लिए आपका जो डिटर्मिनेंट है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर, मेरे साथ ही लिखते जाओ, फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, for determinants of order n greater than or equal to 2, chalo, minor of element aij is equal to mij. ek aij ka minor aapko obtain karna hai to wo mij hoga. cofactor of element aij is equal to Cij, it is equal to −1 to the power i + j into Mij. Cofactor of element Aij is equal to Cij, is equal to −1 to the power i + j into Mij. Mij मतलब minor के साथ आप −1 to the power i + j को multiply कर दो, so it is your −1 to the power i + j into Mij. अब आपका यहाँ पे डाउट होगा, सर एम आई जे क्या है? इज इट माइकल जैक्सन और व्हाट इज एम आई जे? एम आई जे इज ऑब्टेन्ड इज एन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n − 1, which is obtained after hiding row and column containing aij. जब aij के रो कॉलम को आप हाइड करोगे तब आपको mij मिलेगा। यस यस अभिराम, वेद जितेंद्र। चलो यहां तक आपको क्लियर है, समझो मेरी बात, राइट? ये चीज आप ऑलरेडी डिटर्मिनेंट फाइंड करते करते उसके अंदर ही कर चुके हो, राइट? डिटर्मिनेंट फाइंड करते करते आप अंदर ही कर चुके हो, बट आपको पता नहीं है, वो अभी हम देखेंगे। सर ऐसे हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? नहीं है जितेंद्र, इसलिए तो बोल रहा हूँ आप वेट करो, ऐसा नहीं है। वहां पे बस आपको साइन मिलेगी जितेंद्र, सी आई जे बाई एम आई जे करोगे तो, एलिमेंट नहीं।
चलो ये पहले इतना लिख दिया आपने, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, इतना लिख दिया आपने, आया ना? ओके थोड़ा जल्दी करो. यस मेथ, यस माइनर एंड कोफैक्टर. जैसे ही हो जाए मुझे बताओ एवरीवन. देन थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, कमान, बी फ्लैश, बी सुपरमैन, बी एनीथिंग. हो गया सर. क्वेश्चन इज सेपरेटली. हां लास्ट लाइन लिख रहा है. हां मैं अटेंडेंस शुरू करता हूं. चलो अटेंडेंस, रोहित इज प्रेजेंट, जितेंद्र इज देयर, अभिराम इज प्रेजेंट, मानसी इज प्रेजेंट, सानिया इज प्रेजेंट, रिया, कोशी, सानिया, आर्यन, निधि, जयशरण, समर्थ, अनगा, प्रांजल, प्रद्युम्ना है. प्रद्युम्ना आर यू देयर? यस सर. ग्रेट. नेक्स्ट ओवेश है, श्रीहरि है, अनिशा है, मीत है, सिद्धार्थ है. सिद्धार्थ आर यू देयर? सिद्धार्थ प्रेजेंट सर. देन अमिश है, अमिश है ना? अमिश सर. यस सर प्रेजेंट. रौनक, विवेक, कृष्णा नहीं है एंड प्रद्युम्न है. ओके ओनली कृष्णा इज एब्सेंट. एंड उधर शशांक बहुत एब्सेंट रह रहा है, उसको बोल रहे हैं. चलो नेक्स्ट आगे बढ़े एवरीवन. चलो अब समझो यहाँ पे ये हो गया ना, समझाओ माइनर कोफैक्टर का एग्जांपल देखें. राइट चलो कोई भी एलिमेंट को टारगेट करो. एज फॉर एग्जांपल मान लो मुझे माइनर देखना है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए टू टू, मैं ए टू टू को टारगेट कर रहा हूँ. माइनर ऑफ ए टू टू इट इज रिप्रेजेंटेड एज एम टू टू. माइनर कैसे मिलेगा? उसकी रो और कॉलम को हाइड कर दो. ए टू टू की रो और कॉलम को हाइड कर दो, आपको क्या मिल रहा है? ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री. बोलो टू बाई टू डिटर्मिनेंट मिला कि नहीं? ओरिजिनल थ्री बाई थ्री था, अभी टू बाई टू मिला, मिला कि नहीं? मिला कि नहीं भगवान? मिला था. हाँ ना? यस सर. ये तो आप ऑलरेडी मिल गया. वेरी गुड. हाँ डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए ऑलरेडी आप कर चुके हो, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. राइट अब सेम थिंग जब आप इसको उसके साइन से मल्टीप्लाई करोगे, को फैक्टर ऑफ ए टू टू इट इज इक्वल टू सी टू टू इट इज इक्वल टू माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू. माइनस वन टू द पावर टू प्लस टू मीन्स माइनस वन टू द पावर फोर विच इज प्लस ओनली. राइट साइन ऑफ दिस मिडल एलिमेंट दैट इज प्लस ओनली into M22. So it is same A11, A13, A31, A33. तो बोलो यहाँ पे minor और cofactor जो आपका answer है वो already आप कर चुके हो. You can tell me yes if you agree everyone. Right? Minor and cofactor already आप determinant में कर चुके हो. Correct है? Now, सर अगर यह कुछ जैसे टू थ्री रहता तो इधर माइनस आ जाता ना, वो माइनस वन हो जाता, तो वो माइनस साइन अंदर जाता कि बाहर? नहीं बाहर ही रखो क्योंकि अल्टीमेटली तो सिंपलीफाई होना है ना. अल्टीमेटली सेम आएगा ना, मतलब अल्टीमेटली एक वैल्यू आने वाली है. आएगा तो हाँ सेम ही आएगा ना. यस क्योंकि अल्टीमेटली तो एक वैल्यू ही आने वाली है जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे. बस माइनर में जो साइन उसका ओरिजिनल होगा वही आएगा, को फैक्टर में वो वही आ सकता है या चेंज हो सकता है, वो डिपेंड करेगा पोजीशन पे. ओके ठीक है ग्रेट. चलो तो अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं माइनर को फैक्टर के, फिर उसके प्रॉपर्टीज देखते हैं. सर 2 into 2 डिटरमिनेंट को भी ऐसे ही करेंगे ना? यस यस जयशरण सेम. तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये प्री रीडिंग का ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग डिटरमिनेंट. ये डिटरमिनेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं
सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालो, राइट। तो जैसे पहला 2x2 पकड़ते हैं, तो 2x2 में कितने एलिमेंट है, 1, 2, 2, 1, चार एलिमेंट है, हाँ या ना? मुझे सबका माइनर निकालना है, सबका कोफैक्टर निकालना है, 1x1 करके करते हैं। चलो पहले ये वाला 1, इसका माइनर क्या होगा बोलो, कुछ तो बोलो, रो कॉलम को ढक दो, क्या मिलेगा, 1 ओनली, हाँ या ना, राइट। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अब इसके साइंस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस प्लस, करेक्ट है सिद्धार्थ, प्रद्युम्ना, सी आई वांट रिस्पॉन्स, कोशी, राइट, राहिल, अनम्यूट करके बोलो, प्लस माइनस, माइनस प्लस होगा कि नहीं साइंस। सो को फैक्टर ऑफ 1 विल बी इक्वल टू C11 इक्वल टू 1 ओनली, ये पहले क्लियर 1 का। चलो सिमिलरली माइनर ऑफ 2, ये वाले 2 का माइनर क्या होगा, रो कॉलम को ढक दो, 2 ही होगा, M12 विच इज इक्वल टू 2, व्हाट विल बी इट्स को फैक्टर, माइनस 2, यस माइनस 2, क्योंकि इसकी साइन आ जाएगी माइनस। चलो नेक्स्ट, नाउ माइनर ऑफ दिस 2 एंड दिस 1, वो आप होमवर्क से कर सकते हो, माइनर ऑफ 2 विच विल बी योर M21, रो कॉलम को ढक दो के आंसर आएगा 2, राइट, एंड कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू C21 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, राइट, इन द सेम वे इधर 1, माइनर ऑफ दिस 1 विल बी 1 एंड कोफैक्टर विल बी 1, सेम आएगा यहाँ पे, जो आपका है वो सेम चीज आएगी, राइट, जस्ट M11 C11 की जगह वो हो जाएगा आपका M22 C22। ये चारों एलिमेंट क्लियर पहले, राइट। Yes, one student is asking, sir, major जैसा भी कुछ है क्या, अगर ये माइनर है तो major ऐसा कुछ है, नहीं नहीं बस माइनर और कोफैक्टर, इतनी दो चीजें। चलो ये 3x3 क्या हर एक एलिमेंट के लिए करना है, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 3, 2, 1, समझो, यहाँ पे मैं कोई भी एक रो या कॉलम के लिए कराऊंगा, बाकी के सारे एलिमेंट आप घर से कर सकते हो, टोटल 9 एलिमेंट्स है, मैं 3 एलिमेंट्स के लिए कराऊंगा, बाकी के 6 एलिमेंट आप घर से कर सकते हो, तो कोई भी 3 एलिमेंट आप पसंद करके मुझे बताओ, वो वाले मैं आपको कराऊंगा। प्रद्युम्ना बोलो कौन सा एलिमेंट का देखना है सर, 3 कौन सा वाला, 3 तीन ऑप्शन है सर, सेकंड कॉलम वाला, सेकंड कॉलम वाला 3, ओके प्रद्युम्ना। चलो उसके बाद निधि आप बताओ आपको कौन सा देखना है, निधि सर सेकंड कॉलम, नहीं सेकंड कॉलम में कौन सा, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम का 3, 1, 2, 1 में से कौन सा, कोई भी एक एलिमेंट, 2, ओके ओके म्यूट योरसेल्फ नाउ। राहिल कैन यू टेल मी आपको किसका माइनर और कोफैक्टर देखना है, राहिल लगता है राहिल सो गया, नहीं जाग रहा है, बोलो राहिल, हाँ कौन सा राहिल सर, 2 का, 2 कौन सा, 3, 2 है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम सर, थर्ड कॉलम, वो तो ऑलरेडी आ गया है, कोई और एलिमेंट आपको नहीं देखना है। चलो यहाँ पे मैं 1 उठा लेता हूँ, नाउ सी 1x1 माइनर ऑफ 1 विच विल बी M11, उसके रो और कॉलम को हाइड कर रहा हूँ, मेरे पास आएगा 1, 2, 3, 1, सो 1, 1 जा 1 माइनस 3, 2 जा 6, 1 माइनस 6 इज इक्वल टू -5, क्लियर है एवरीवन, राइट। नाउ को फैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस इंटू M11, राइट, एग्जैक्टली C11, और उसका साइन आएगा प्लस M11, सो इट इज प्लस इंटू -5 विच इज -5 ओनली। चलो यहाँ पे 1 का खत्म, अब 3 का देखते हैं, माइनर ऑफ 3 विच इज इक्वल टू M, थर्ड रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, रो कॉलम को हाइड कर देंगे, इट इज 1, 3, 3, 2, सो इट इज 1, 2 जा 2, -3, 3 जा 9, -7, को फैक्टर ऑफ 3 इज इक्वल टू C32 इज इक्वल टू, अब उसके थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम मतलब आपका क्या हो जाएगा, माइनस साइन, राइट, माइनस प्लस माइनस, या माइनस 1 to the power प्लस, माइनस M32 विच इज माइनस ऑफ -7 +7, राइट।
चलो टू माइनर ऑफ टू विच इज योर एम सेकंड रो थर्ड कॉलम एलिमेंट रो कॉलम को आप रख दो वन टू टू थ्री थ्री वन जा थ्री माइनस टू टू जा फोर माइनस वन को फैक्टर ऑफ दिस टू इसकी साइन आ जाएगी माइनस सी टू थ्री इक्वल टू माइनस वन इन टू एम टू थ्री विच इज माइनस माइनस प्लस वन क्लियर है बॉस आई थिंक इतने एग्जाम्पल्स के बाद अब आपको माइनर और को फैक्टर में कोई डाउट नहीं होगा हाँ या ना राइट हाँ रेस्ट यू हैव टू डू फ्रॉम होमवर्क राइट ये आपको कोई पूछने नहीं वाला है डोंट वरी इवन बोर्ड्स में भी आपको माइनर और को फैक्टर नहीं पूछेंगे कोई ये आपकी प्रैक्टिस टेस्ट है राइट स्टार्टर खाना खाने से पहले का मेन कोर्स से पहले का मेन कोर्स में ये माइनर और को फैक्टर हम अंदर अंदर करते जाएंगे राइट एंड उसमें मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगा बट पहले ये करते हैं तो आई होप माइनर और को फैक्टर क्लियर हो गया होगा क्या आगे बढ़े Now see next everyone. अब और माइनर और को फैक्टर की एक प्रॉपर्टी जैसे आप डिटर्मिनेंट देख चुके ऑलरेडी राइट डिटर्मिनेंट में हम एग्जैक्टली क्या करते थे आपको पता चला जो भी रो या कॉलम आप पसंद करते थे वो रो के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को उसके को फैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते थे या नहीं बोलो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली आपने क्या किया है समझना जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे थे आपने साइन भी लिया है उसका माइनर भी लिया है ए टू वन को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है ए टू टू को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है एंड ए टू थ्री को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया है हाँ या ना प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स यस और नो एवरीवन राइट सिमिलरली यहाँ पे भी आपने यही तो किया है ए वन वन को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया ए टू वन को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया एंड ए थ्री वन को उसके को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया राइट सो फ्रॉम हियर कैन आई से दैट अगर माइनर और को फैक्टर्स की मैं प्रॉपर्टीज लिखना शुरू करूं सो माय फर्स्ट प्रॉपर्टी विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स और एनी सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट यू कैन फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग योर ए आई जे विथ its corresponding cofactor only Cij and adding particularly row wise or column wise are you getting my point ab addition mein exactly aap sare I ka summation kar rahe ho j constant ya j ka summation kar rahe ho I constant is tarike se main likh sakta hu ya normally main likh sakta hu yahan pe row wise or column wise summation ye agar pura symbolically aapko likhna hai to symbolically aap aise likh sakte ho j constant rahega particularly आई आपका जाएगा वन टू एन ए आई जे टू सी आई जे और आई आपका रहेगा कॉन्स्टेंट जे आपका जाएगा वन टू एन समझ रहे हो ना जे वन टू एन मीन्स आप ये कॉलम वाइज कर रहे हो समेशन राइट आई एक रो फिक्स अब उसमें सॉरी ये रो वाइज हुआ आई एक रो फिक्स कॉलम वाइज आपके एलिमेंट चेंज हो रहे हैं सो दिस इज योर रो वाइज यहाँ पे आई कॉन्स्टेंट राइट सॉरी जे कॉन्स्टेंट एक कॉलम कॉन्स्टेंट आई की वैल्यू वन से एन तक जा रही है तो इसमें आप कॉलम वाइज जा रहे हो प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग को फैक्टर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट
अब क्लियर हुआ एवरीवन? राइट, एग्जैक्टली डिटरमिनेंट यहां से आपका डिफाइन होना चाहिए, बट चलो ठीक है. Sum of product of the elements of any row or column with their corresponding cofactors is equal to value of determinant. चलो ये हो गया. जाए नेक्स्ट. सर लिख रहे हैं. अच्छा चलो यहां तक हो गया. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आप जाएं आगे. यस सर. सबका हो गया? हां सर. ओके. यस सर. नहीं ये थर्ड में नहीं, ये कोई भी ऑर्डर में होगा जितेंद्र. दिस इज नॉट ओनली फॉर थर्ड ऑर्डर, इट इज फॉर एनी ऑर्डर. राइट, अब देखो, अब इसके अलावा दो और चीजें, उसमें दूसरी चीज हम बाद में देखेंगे एडजॉइंट वाले में, जो एक अलग है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है. ये मेरे साथ लिखते ही जाओ. सम, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ any row or column with corresponding cofactors of another row or column. Will be equal to zero. समझना, जैसे आप हर एक एलिमेंट को वो एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हो, आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज, तो आपको वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलेगा. देन यू आर गोइंग टू गेट वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. बट अगर आप कोई रो के एलिमेंट को
किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको जीरो मिलेगा, समझना। अब यहाँ पे और कॉलम ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या है, किसी रो के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन आप किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से कर रहे हो, या फिर किसी कॉलम के एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन आप किसी दूसरी कॉलम के कोफैक्टर से कर रहे हो, समझना। यहाँ पे कॉलम का कॉम्बिनेशन कॉलम से जाएगा, रो का कॉम्बिनेशन रो से जाएगा, जबकि ऊपर में ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई भी रो वाइज या कॉलम वाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि मतलब ओपन कर सकते हो। अब समझना, जैसे यहीं पे यही वाले एग्जांपल में ये जो आपका 3x3 है, This is your 3x3, right? अब इसमें आपको ये पता है कि अगर मैं पहली रो से एक्सपांड कर रहा हूँ, पहली रो से उसी के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा, A11 के साथ C11, A12 के साथ C12 और A13 के साथ C13, इन सबको ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा डिटरमिनेंट, हाँ या ना, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। बट इसी सभी एलिमेंट्स के साथ, समझना, एलिमेंट सेम ले रहा हूं मैं, A11, A12, A13, एलिमेंट सेम ले रहा हूँ, A11, A12, A13, बट उनके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दूसरे रो के कोफैक्टर, मान लो ये रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, C21, C22, C23, समझना, दूसरे रो के अगर मैं कोफैक्टर उसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर तीसरे रो के कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जैसे इधर वो आपका हो जाएगा C31, C32, C33, एलिमेंट कौन से हैं पहली रो के, कोफैक्टर कौन से हैं सेकंड रो या थर्ड रो के, तो इधर आपका आंसर आ जाएगा जीरो। ये स्टेटमेंट का मीनिंग पता चला एवरीवन, राइट। सेम आपका कॉलम वाइज भी हो सकता है, किसी एक कॉलम के एलिमेंट को आप किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर हो जाएगा जीरो। इज दिस क्लियर, यू कैन टेल मी यस, राइट, इट इज क्लियर टू, राइट। नाउ डिटरमिनेंट की बहुत सारी एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, खास करके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में, आपको याद होगा पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमने देखा था, राइट। एक अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन आपका पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, ए एच जी एच बी, राइट, वो ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ हमने लिखा था, इफ यू रिमेम्बर, ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, 3x3 डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, राइट। ऐसी बहुत सारी है, वो मैं आपको एडवांस क्लास में दिखाऊंगा या फिर फोटो भेज देता हूं मैं ग्रुप में। तो सेम आप उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए कर सकते हो, जब उसके वर्टाइसेस दिए गए हो, तो वर्टाइसेस जब हम लिखते थे आपको याद होगा, राइट, x1 y1 - y2, फिर x2 y2 - y1, वो सारी चीजें भी आपकी यहीं से आती है डिटर्मिनेंट से। वेद जितेंद्र, मुझे आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका वीडियो विजिबल नहीं है जितेंद्र। चलो आगे बढ़े एवरीवन, कैन वी मूव फॉरवर्ड, ओके। अब हम डिटरमिनेंट के कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, एंड उसमें आपका जो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, उसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बोला था ये कंपैरिजन बहुत लंबा चलने वाला है, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, एंड उसके बेस पे से वो प्रॉपर्टीज और ये सारी डेफिनेशन को कंबाइन करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं फिर। चलो ये क्लियर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से पहले तक की सारी चीजें क्लियर है, राइट। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको याद होंगे मैट्रिसेस के, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। मैट्रिसेस में जब एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करते थे तो क्या होता था, क्या एक नया मैट्रिक्स फॉर्म होता था, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो, राइट। कौन कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशन आप देख चुके हो, आइदर आप देख चुके हो आर आई इंटरचेंज आर जे,
या सी आई इंटरचेंज सी जी, राइट। आप देख चुके हो आर आई को मल्टीप्लाई करते थे कोई कॉन्स्टेंट के साथ, राइट, जैसे आप लिखते थे के आर आई, या सी आई को आप मल्टीप्लाई करते थे के सी आई। दूसरा, आप आर आई को पूरा इंटरचेंज कर रहे हो, उसमें आर आई में कुछ ऐड कर रहे हो के को आर जे से मल्टीप्लाई करके, या सी आई में कुछ ऐड कर रहे हो सी जे को के से मल्टीप्लाई करके। इतने एलिमेंट्री ऑपरेशंस आपने देखे हैं, यस और नो एवरीवन? ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस जब आप अप्लाई करते हो मैट्रिसेस में, आपको क्या मिलता है, एक नया मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं? यू आर गोइंग टू गेट वन अनदर मैट्रिक्स, ओके। उसका आपको एक दूसरा मैट्रिक्स मिलता है जिसकी आप एप्लीकेशन यूज करते थे ए इंटू बी इक्वल टू सी में, राइट। मैट्रिसेस में ये सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करके आपको मिलता था न्यू मैट्रिक्स, एंड जिसकी एप्लीकेशन आप यूज करते थे ए इंटू बी इक्वल टू सी में, जहां पे अगर ए में रो वाइज चेंज हो रहा है तो सी में रो वाइज चेंज सेम होगा, बी रहेगा आपका एज इट इज। बी में कुछ कॉलम वाइज कर रहे हो, सी में सेम कॉलम वाइज चेंज होगा कॉलम ऑपरेशन, ए रहेगा एज इट इज। ये हमने यूज किया था मैट्रिक्स में। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, यस और नो? जिसकी एप्लीकेशन आपने देखी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में और इनवर्स में, करेक्ट है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड उसमें। अब डिटर्मिनेंट में अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमें समझना है। जब डिटर्मिनेंट में आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वो एक अलग मैट्रिक्स बनने वाला है, बट जब वो अलग मैट्रिक्स बनेगा, वो अलग मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और पुराने वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम रहेंगे या अलग होंगे? अलग होंगे तो क्या अलग होगा, वो सारी चीजें हमें देखनी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो जब भी आप कोई भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो, दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हो मैट्रिक्स के अंदर, तब जाके जब आपको नया मैट्रिक्स मिलता है, जब उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, सो न्यू डिटर्मिनेंट विल बी हैविंग ऑपोजिट साइन ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। मैं जो बोल रहा हूं वो पता चल रहा है? समझना, जैसे मान लो ये आपके पास मैट्रिक्स है ए, ए से आपको मैट्रिक्स मिल रहा है ए डैश, ये ए डैश आपको कैसे मिल रहा है, इसमें आप दो रो को इंटरचेंज कर रहे हो, आर वन और आर टू को इंटरचेंज करके आपको ए डैश मिल रहा है। नाउ जब डिटर्मिनेंट निकालोगे दोनों का, तो ए का डिटर्मिनेंट और ए डैश का डिटर्मिनेंट, जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, समझना, मैट्रिक्स का नोटेशन क्या था, मैट्रिक्स का डिनोट करते थे कैपिटल अल्फाबेट्स ए बी सी, इससे आपका मैट्रिक्स आएगा। डिटर्मिनेंट का नोटेशन क्या आएगा, अगर उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो उसका नोटेशन आएगा डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या उसे आप ऐसे भी लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ए, ओके। तो जब ये रो ऑपरेशन अप्लाई करके मान लो ए से आपको ए डैश मिल रहा है, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इन शॉर्ट, जब आप ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे, जो नया डिटर्मिनेंट मिलेगा उसमें साइन चेंज हो जाएगी, देयर विल बी साइन चेंज इन द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट। इज दिस क्लियर एवरीवन? वो पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, क्या ये क्लियर है? सी बोलना पड़ेगा आपको, यस एवरीवन? यस, थैंक यू। यस सर, ग्रेट। इन अ सेम वे, जब आप यहाँ पे के से मल्टीप्लाई करोगे कोई रो या कॉलम को, तो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, अगर किसी रो या कॉलम को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। भाई जितेंद्र, आपने मुझे भेजा है यहाँ, वैसा लिख सकते हो, बट इसका आंसर क्या आएगा जितेंद्र? पहले में डिटर्मिनेंट, बाकी दो में जीरो आएगा, वैसा लिखना पड़ेगा आपको, ओके। चलो नाउ सर, इफ वी इंटरचेंज टू रोज इट विल बी पॉजिटिव, यस कोशी? तो दो रोज इंटरचेंज करोगे, पॉजिटिव मींस सेम साइन, नॉट पॉजिटिव, इट विल हैव सेम साइन एज ओरिजिनल डिटर्मिनेंट, राइट? अगर दो बार रो को इंटरचेंज करोगे तो। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसको अगर डिटेल में समझें तो किसी डिटर्मिनेंट की एक रो को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो,
तो वो पूरा का पूरा केस से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको समझ रहे हो, ये समझ रहे हो ना? प्लीज, किसी रो को के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो पूरा डिटरमिनेंट के से मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ या ना? मैट्रिक्स में क्या होता था, जब मैट्रिक्स में आप बाहर से कोई एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते थे तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन विथ मैट्रिक्स ए, के ए? इफ ए इज योर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जब आप उसे कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, k इंटू ए का मतलब क्या होगा? k हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा. अभी के लिए मान लो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 4, 5, तो k यहाँ पे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k, 2k, 4k, 5k. ये याद है ना सबको? देखो रिस्पॉन्स दोगे तो मुझे पता चलेगा आप जाग रहे हो, सो रहे हो, आपको पता चल रहा है. वॉट अबाउट डिटर्मिनेंट? वॉट विल हैपन इन डिटर्मिनेंट? सी, डिटर्मिनेंट में आपका क्या होगा वो आपको समझना है. जब कोई डिटर्मिनेंट है आपके पास 1, 2, 4, 5, तो अब जब आप इससे कोई के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, के इंटू डिटर्मिनेंट ही, ये मोड से कंफ्यूज मत होना, दिस इज नॉट मोड, दिस इज डिटर्मिनेंट, इट कैन बी नेगेटिव, इसका दूसरा सिंबल है डिटर्मिनेंट है, आप ऐसे लिख सकते हो. तो जब आप के को किसी डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हो, अभी हमने देखा कि जब भी आप किसी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी. इसका रिवर्स, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो रही है, मतलब आप के को किसी एक रो या कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, हाँ या ना? कोई भी एक रो या कॉलम, वो आपको पसंद करना पड़ेगा. आइदर आप पहली रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरी रो एज इट इज, अगेन आइदर आप दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली रो एज इट इज, आइदर आप पहली कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, दूसरी कॉलम एज इट इज, या आप दूसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, पहली कॉलम एज इट इज. क्या इसमें पता चला एवरीवन? जस्ट मैं रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं वापस. जब आप किसी रो या कॉलम को के से मल्टीप्लाई करोगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू के टाइम्स हो जाएगी, अगर इसी को आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो जब डिटरमिनेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो के को आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हो. Whether you can multiply it with first row or second row, whether you can multiply it with first column or second column. आसान है everyone? You can tell me yes if you agree. जाएं आगे. हाँ yes जितेंद्र, चलो यहां से आगे बढ़े. Please give me some response. सर वहां पर पहले जो टेबल था उसमें जगह नहीं छोड़ा तो यहाँ पर फिर नहीं. हाँ वो दूसरा बनाओ क्योंकि बहुत सारी आएंगी. ठीक है, अभी मैं लिखने का टाइम दूंगा, अभी छोड़ो पहले इधर ध्यान दो. राइट, इसके बाद जब ये वाली ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो जो आपकी फेवरेट ऑपरेशन थी, किसी रो को के साथ मल्टीप्लाई करके पहली रो में एड कर रहे हो, किसी कॉलम को के से मल्टीप्लाई करके दूसरी कॉलम में एड कर रहे हो, तब यहाँ पे ये बहुत अच्छी प्रोसेस है. जो ये छोटी छोटी प्रोसेस थी उसमें नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज होती थी, ये बड़ी प्रोसेस में नए डिटरमिनेंट की वैल्यू कोई चेंज नहीं हो रही है. डिटरमिनेंट ए डैश इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए. ये क्लियर है एवरीवन? राइट, यहां पे आपका नया डिटरमिनेंट और पुराना डिटरमिनेंट सेम रहेगा. ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर दो, ये सारी ऑपरेशन यहां से शुरू करो. थोड़ा जूम इन कर रहा हूं, पहले इतना लिखो फिर दूसरा. ऐसे ही डिफरेंस वाइज ही लिखना, क्योंकि डिफरेंस वाइज लिखोगे तो आपको पता चलेगा क्या मैट्रिक्स में करना है क्या डिटरमिनेंट में करना है. डिफरेंस वाइज नहीं लिखोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा. इसके अलावा और कुछ प्रोसेसेस भी पढ़ानी है. 3:30 बज गए हैं, मे बी आई विल टेक टिल 3:45 or 4, समझना, क्योंकि इसी का फायदा होगा. ये वीक में भी थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, नेक्स्ट वीक से शायद एक्स्ट्रा भी नहीं ले पाऊंगा, है ना? तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना एवरीवन? थोड़ा थोड़ा इसी का फायदा होगा, समझना. हाँ यस, किसी ने कुछ बोला? सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू हियर. ओके स्क्रॉल डाउन, बट वेट, बाकी सब लिख रहे हैं ना? ये स्क्रीन पे जितना दिख रहा है वो सबका हो गया है? सर लिख रहे हैं. हाँ सर ऑलमोस्ट.
question is written separately. अब समझो आप जब तक लिख रहे हो, हाँ जितेंद्र, आप जब तक लिख रहे हो होमवर्क आपको गूगल क्लासरूम में ही भेजना है। बट इस बार गूगल क्लासरूम में हम कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे गूगल क्लासरूम में हम हर एक हफ्ते का होमवर्क एक साथ मंगवाएंगे, हर एक क्लास का नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक वीक का या फिर जैसे टॉपिक का, जैसे मान लो अभी मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट चल रहा है, राइट? तो M19.1 तो मैंने आपका क्लास में ही चेक कर लिया था, M19.2 से हम ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए, राइट? जो लास्ट क्लास हमारा M19.2 था उसमें रो ऑपरेशन कराई थी, रहा था ना हमें वो कुछ वीडियो ऑन करके दिखाना। हाँ हाँ, नहीं बट वो मैंने सारे ऑल्टरनेटिव सोचे, तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव ये रहेगा। हाँ, और गूगल क्लासरूम भर जाएगा उसका भी मैंने सोचा है। सो व्हाट वी विल डू, जैसे पूरे वीक का एक साथ आपको भेजना है। जैसे ये वीक में हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका 19.2, 19.3, 19.4, 19.2 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 19.3 एंड 19.4 खत्म हो जाए, जो हो जाएगा। तो 19.2, 19.3, 19.4 ये वीक के एंड में संडे में आपको एक साथ सबमिट कर देना है। उसका मैं असाइनमेंट बना दूंगा। मान लो 19.4 तक खत्म हो रहा है तो असाइनमेंट रहेगा टिल 19.4। 19.1 आपको नहीं भेजना है, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक सब एक साथ पीडीएफ बना के। इज दिस क्लियर? ओके, अब उसको मैं कैसे चेक करूंगा समझना। जैसे मान लो आपके क्लास में ये टाइम पे आप लिख रहे हो, सेम जैसे ऑफलाइन क्लास में जब आप लिखते थे मैं आपकी अटेंडेंस ले लेता था, आपका होमवर्क चेक कर देता था। इन अ सेम वे जब ऑनलाइन में आप लिखोगे, पहले अटेंडेंस हो जाएगी, फिर होमवर्क यहीं पे मैं चेक कर दूंगा, राइट? आई विल चेक थ्रू माई मोबाइल गूगल क्लासरूम, यहाँ पे मैं चेक कर दूंगा एंड यहीं पे हम डिस्कशन कर देंगे। मीन्स मान लो मैं जितेंद्र का चेक कर रहा हूँ कुछ होमवर्क बाकी है या नहीं है, तो मैं यहीं पे डिस्कस कर सकता हूँ, जितेंद्र आपने ये भेजा है ये नहीं भेजा है, लाइक दैट। वहां पे मैं कमेंट लिख दूंगा एंड वो होमवर्क रिटर्न कर दूंगा। जैसे मैं वो रिटर्न करता हूँ, वो होमवर्क वो वाला आपको वहां से ड्राइव से निकाल देना है, डिलीट कर देना है। इज दिस क्लियर? क्योंकि जब आप गूगल क्लासरूम में अपलोड करते हो वो दो ड्राइव पे सेव होता है, एक आपके ड्राइव पे भी और एक मेरे ड्राइव पे भी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। और मेरा ड्राइव इसी वजह से लास्ट ईयर पूरा 10 GB फुल हो चुका है, 15 GB होता है उसमें से 10 GB इसी में फुल हो चुका है, तो मैं ऑन द स्पॉट डिलीट कर दूंगा। एक वीक का एक वीक में ही डिलीट हो जाएगा, बट जो मैं कमेंट कर दूंगा जैसे आपने ये किया ये बाकी है, वो रहेगा वहां पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज गूगल क्लासरूम इफेक्टिवली। यस एंड नेक्स्ट, राइट? एंड तो अब होमवर्क कैसे चेक होगा? जैसे ये वीक का पूरा, चार क्लास होते हैं हमारे पास, तो मान लो एक क्लास में 6 लोगों का होमवर्क अच्छे से हो पा रहा है चेक, तो चार क्लास में सबका खत्म हो जाएगा। मतलब ये वीक का पूरा होमवर्क नेक्स्ट वीक में 6-6 लोग करके चेक हो जाएगा। इज दिस क्लियर? फिर नेक्स्ट वीक का, उसके नेक्स्ट वीक। सो दिस इज हाउ आई एम प्लानिंग। ओके सर, कल पापा को एक जीमेल पे एक मेल आया सर अवंती की तरफ से, उसमें वो स्टूडेंट प्रो ऐप करके कुछ है सर, वो डाउनलोड करने को बोला था सर। क्या स्टूडेंट, क्या है स्टूडेंट? स्टूडेंट प्रो ऐप है सर, वो उसको डाउनलोड करने को बोला था और उन्होंने यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिया था। अच्छा, मेरे को क्या था वो अवंती से याद था। अच्छा, ये अवंती से कोई नई ऐप निकली है क्या? मुझे भी पता नहीं। कैन यू सेंड मी दैट मेल, मेल का स्क्रीनशॉट या वो कुछ भेज दो व्हाट्सएप पे, या मेल अगर सर भेजते हाँ देखते हैं। चलो आगे बढ़े एवरीवन, कैन वी प्रोसीड? सर लास्ट वाला लिख रहे हैं। चलो ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको याद होगा, हम ट्रांसपोज में क्या करते थे?
रो आपकी सारी रो को हम कन्वर्ट कर देते थे कॉलम में और सारी कॉलम आपकी कन्वर्ट हो जाती थी रो में, हाँ या ना? जब m बाई n का आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको n बाई m मिलेगा, बट स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। m बाई m का ट्रांसपोज m बाई m ही होगा, n बाई n का ट्रांसपोज n बाई m ही होगा। Do you remember this transpose of matrix, everyone? Yes, sir. Right. Chalo. हाँ जितेंद्र डेफिनेटली। एंड वो वाला काउट खेल रहे हो आप लोग, जैसे विष्णु सर आपको भेज रहे हैं 24 आवर्स तक वैलिड रहता है लिंक, मैच में भी वैसे ही काउट खेलना है आपको, लिंक भेज दूं मैं, आप खेलोगे फिर घर से, राइट? तो हम टाइम बचा सकते हैं यहाँ पे। चल अब समझे यहाँ पे, सर वो डिटरमिनेंट्स का लास्ट वाला लिखना है प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ से अभी और भी प्रॉपर्टीज मुझे आपको सिखानी है। फिर मैं आपको प्रॉपर्टीज भेज दे क्वेश्चन कैसे करने, उसमें मजा आएगा। सो नेक्स्ट क्लास वापस आपका इसमें जाएगा। अच्छा ये तो आपके ये आए होंगे ना, ओके। तो ये ऐप जब आपने डाउनलोड किया, कौन सा अवंती गुरुकुल ऐप नहीं है? इज दिस अनदर ऐप? हाँ सर कोई और ऐप है सर। अच्छा वो ये ऐप का लिंक, ये जो आपको लिंक दिया गया ना शॉर्ट बीटली लिंक bit.ly/classpro ऐप, ठीक है सर, वो गूगल प्ले स्टोर पे स्टूडेंट प्रो सर्च कर लो सर, मिल जाएगा स्टूडेंट प्रो। स्टूडेंट प्रो कुछ ऑरेंज येलो टाइप वाला है वो है? हाँ सर। दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा शायद, ऐसा वाला ये है क्या? वेट मैं इधर दिखाता हूँ, येलो कलर का। हाँ सर मैं लिंक भेज दिया, कंफर्म कर लो। हाँ फिर उसमें आपने लॉग इन किया, उसमें लॉग इन करके आपको क्या मिल रहा है? हाँ वही ऐप है सर, वो असाइनमेंट्स होमवर्क्स वो सब उसके कॉलम भी है सर उसके अंदर बने हुए। तो अच्छा तो अगर ये है तो फिर हम यही यूज करते हैं ना, असाइनमेंट और वो सब अंदर है तो आई थिंक ये ऑनलाइन क्लास के लिए यूज कर रहे होंगे, इट इज लाइक गूगल क्लासरूम, करेक्ट? पता नहीं सर, मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है मैं बात करता हूँ विष्णु सर के साथ, वी डेफिनेटली वी कैन यूज दिस अगर बेटर है तो। सर उन्होंने हमारा अकाउंट क्रिएट करके दिया है सर हमको, मतलब यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों दिया है। वही तो अगर जैसे आपको स्टूडेंट्स को बना के दिया होगा तो क्या हमारे टीचर्स के लिए है या नहीं वो दिखना पड़ेगा ना। तो अभी आपको कोई एक्टिव असाइनमेंट ऐसा कुछ दिखा रहे हैं अंदर? नहीं सर सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं है। ओके ठीक है, आई विल चेक। ओके चलो आगे बढ़े, ये हो गया एवरीवन। Please tell me yes. ऐसे ही 3:40 तो ऐसे ही हो गए, 10 मिनट से बस मैं यही पूछ रहा हूँ ये हो गया कि नहीं। Yes sir, हो गया सर। हाँ सर हो गया। हो गया सर। ठीक है।
यहाँ पे आप ये कर सकते हो ना, लगे रहो मुन्ना भाई मूवी देखी थी आपने? लगे रहो मुन्ना भाई, पता है मुन्ना भाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्ना भाई। हाँ सर मूवी सब देखी है। हाँ सर देखा है। मूवीज के नाम है मतलब समर्थ का रिप्लाई पहले। हाँ तो लगे रहो मुन्ना भाई में एक गाना है, एक बहुत ही अच्छा गाना है, समझो हो ही गया, नहीं याद है? ठीक है देखो समर्थ, आप उसकी धुन बना दो, तो जब नेक्स्ट टाइम मैं आपको पूछू ना कि हो गया, आप बस वो बजा दो, समझो हो ही गया। ठीक है सुनना सब। चलो अब यहाँ पे एवरीवन, जैसे एक ए से आप ए ट्रांसपोज करते थे राइट, मैट्रिक्स में जब ए से आप ए ट्रांसपोज करते थे सारी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती थी, कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाती थी, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन। राइट, रो आपकी कॉलम में कन्वर्ट हो जाती थी, कॉलम आपकी रो में कन्वर्ट हो जाती थी। डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी सेम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी सेम। अभी मत लिखो रुको क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए ना। यस एंड अभी रुको, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं आपको इसमें और समझाता हूँ। ये जो आपका के कॉमन वाला लॉजिक है, के मल्टीप्लीकेशन वाला लॉजिक है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने ये समझा कि जब किसी रो या कॉलम को आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाँ या ना? राइट, रो या कॉलम किसी को भी आप के से मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू के से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दूसरा, इसको रिवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये समझा कि जब आप डिटर्मिनेंट को के से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब समझना, अब इसको और रिवर्स में समझता हूँ और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैट्रिक्स में अगर मुझे के कॉमन लेना है तो के में सारे एलिमेंट में से कॉमन लेना पड़ेगा, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अगर मैट्रिक्स में से मुझे के कॉमन निकालना है तो मुझे सारे एलिमेंट में से के कॉमन निकालना पड़ेगा, दिस विल बी योर के 1 2 4 5। बट डिटर्मिनेंट में से मैं कोई भी रो या कॉलम में से कॉमन निकाल सकता हूँ, एक रो में से कॉमन निकालूंगा या फिर एक कॉलम में से कॉमन निकालूंगा या फिर दूसरे कॉलम में से कॉमन निकालूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब मैट्रिक्स में से मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो मुझे सारे एलिमेंट में से कॉमन निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में से मुझे कुछ कॉमन निकालना है तो कोई भी रो या कॉलम में से ही कॉमन निकालना पड़ेगा। वो एक ही चीज है, बस उसको तोड़ मड़ोड़ के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में हमें ये सारी चीजें करनी पड़ेगी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ या ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो समझो, अब इसको एक और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जैसे यही एग्जाम्पल है, आपके पास है मैट्रिक्स ए जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है के, राइट? सो दिस विल बी योर इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स इज योर 1 2 4 5, सो दिस इज योर 1 into k, सेम हियर this will be your 2k, this will be your 4k and this will be your 5k. जब इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट निकालना है, अगर डिटर्मिनेंट आपको k निकालना है तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1k, 2k, 4k, 5k. चलो अब मुझे अगर यहाँ पे k कॉमन निकालना है, k क्या होगा? k कितनी बार कॉमन निकलेगा? टेल मी। आइदर दोनों रो से कॉमन निकाल सकता हूँ या कॉलम से कॉमन निकाल सकता हूँ, राइट? रो वाइज या कॉलम वाइज, पहली रो से एक k निकलेगा, दूसरी रो से दूसरा के निकलेगा कि नहीं, हाँ या ना? यस, वेरी गुड अभिराम, उवेश। सो कैन आई से के स्क्वायर कॉमन निकलेगा? के स्क्वायर 1 2 4 5, नहीं तो अगर आप सिंपली डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हो 5k² - 8k², हाँ या ना? अगर सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 5k² - 8k² विच इज -3k² एंड डिटर्मिनेंट ऑफ के विल बी इक्वल टू 5 - 8 विच इज 3। डिटर्मिनेंट ऑफ ए will be equal to 1 2 4 5 which is 5 - 8 which is equal to -3. So can I say that it is nothing but your k square into determinant of a? Yes or no? Jab k a ka determinant nikal rahe ho, it is nothing but your k square into determinant of a. Agar main ise generalize karun, samajhna, ye yahan pe 2x2 matrix tha isiliye do row mein se common nikla, do common nikla. सपोज ए इज योर एन बाई एन मैट्रिक्स, उसको आप के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, के एन बाई एन इज योर न्यू मैट्रिक्स, ये न्यू मैट्रिक्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए एन बाई एन मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू के टू द पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन बाई एन मैट्रिक्स। यस और नो एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये सबको पता चला, हाँ या ना?
जब आप मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करोगे वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, बट डिटरमिनेंट में से जब वो कॉमन निकालोगे हर एक रो या कॉलम से कॉमन निकालना पड़ेगा, तो वो आपका के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए एन बाय एन हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। ये क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? हाँ सर। ओके ग्रेट। हाँ सर ग्रेट। अभी भी हमें और कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, बट वो प्रॉपर्टीज अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो आज ज्यादा हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ अभी आपको क्या करना है घर से, कौन कौन से क्वेश्चन आप अभी कर सकते हो। आज का आपका होमवर्क रहेगा, फॉर्मूला बुक में मैंने आपको जितना लिखा है वो एक बार वापस लिख दो, लिटरली ये काम आएगा, फ्रेंकली लिख दो राइट एंड याद कर दो, इसे आपको याद करना है बिकॉज नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, नहीं आएगा तो फिर आप जाओगे पांच बार लिखने के लिए। एंड रेगुलर बुक में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज राइट। प्री रीडिंग एक्सरसाइज जितना मैंने छोड़ा है वो तो आपको खत्म करना ही है, ठीक है? अभी के लिए इतना ही इनफ है ओके? क्योंकि वो सारी ऑपरेशंस दिखा के मुझे आपको ऑपरेशन का एप्लीकेशन दिखाना है कि वो ऑपरेशन अप्लाई कैसे करना है, तो आज के क्लास में इतना आपको होमवर्क करना है फॉर्मूला बुक एंड रेगुलर बुक में। इतना क्लियर है एवरीवन? अटेंडेंस ऑलरेडी मैंने ले ली है जितेंद्र।